हाँ तो नमस्ते और निहाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है यासिन खान और मैं रहता हूँ ताइवान में। स्वागत है आप सभी लोगों का नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि नमस्ते ताइवान यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो कि ड्रिंक्स बेवरेज इन मैंड्रीन चाइनीज, जो भी जो ड्रिंक्स है उसकी जो सीरीज चल रही है उसके मैंने पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आप लोग क्लिक कर वहां तक आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये वाला होने वाला है पार्ट थ्री, आखिरी पार्ट है। और इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा जो भी जो अल्कोहल है, जो भी जो बियर है, विस्की है, वाइन है, उन सब के नाम इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि जो ये तीन पार्ट हो गए, तीन पार्ट के अंदर तकरीबन आप लोग 16 ड्रिंक्स जो पॉपुलर है उसके आप लोग नाम सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वाला वीडियो का सबसे पहला वर्ड्स आता है बियर। दोस्तों मैं अपना ये वाला वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको चाइनीज सिखाता हूं, वो भी हिंदी भाषा के माध्यम से, ठीक है। यहां पर देखिए बियर को हम लोग बोलेंगे हिंदी के अंदर बियर, ठीक है। और इस बियर को हम लोग चाइनीज में क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए पी जीओ यानी बियर, ठीक है। पी जीओ देखिए इसको याद रखने का तरीका कैसे है, पी यानी पानी पीने का होता है, हम लोग बोलते हैं पी जीओ यानी बियर, ठीक है। पी जीओ यानी बियर, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी आप लोग देख सकते हो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है पी जीओ यानी बियर, और यहां पर है जो चाइनीज जो ट्रेडिशनल भाषा है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी जीओ हो गया बियर, ठीक है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला यहां पर आता है विस्की। विस्की को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में मदिरा बोलते ना, मदिरा। विस्की को हम लोग बोलेंगे मदिरा। यहां पर देखिए आप लोग पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो विस्की को चाइनीज में बोलना बहुत ही आसान है, इंग्लिश में बोलते हैं विस्की और चाइनीज में बोलते हैं वे शी जी यानी विस्की। देखिए थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना आपको, विस्की वेश जी हो गया ये। देखिए बिल्कुल ये सिमिलर है ना एक दूसरे के साथ, विस्की हो गया वेश जी चाइनीज के अंदर, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए वेश जी, देखिए दोस्तों यहां पर जो मैंने प्लस का साइन बनाया हुआ है, यहां पर देखिए प्लस का जो भी जो मैंने साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पूरे वर्ड से वो अलग अलग है, ये पूरा एक ही वर्ड है वेश जी। लेकिन जो अगर आप ये मैंने प्लस का साइन दिया हुआ है ताकि आप लोग पढ़ आसानी से ले, ठीक है ना, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज भारतीयों के लिए नहीं है इसलिए, ठीक है ना। तो वेश जी का मतलब हो गया विस्की, ठीक है। जब भी आप बोलने पे जाओगे तो आप डायरेक्टली बोल देना वेश जी, ठीक है ना। आप लोग ये मत बोलना वे स्पेस लेके श स्पेस लेके जी, नहीं, वेश जी यानी विस्की, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है वाइन। देखिए जो सिर्फ ये वाइन है, ठीक है ना, मैं आपको सिखाऊंगा व्हाइट वाइन और रेड वाइन, ठीक है ना। इस वर्ड्स के बाद सिर्फ वाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, वाइन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जियो। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, पता है, जियो जो हमारा जो सिम कार्ड है ना जियो का, ठीक है ना, बस वो ही जियो को आप लोग याद रखने का, जियो यानी वाइन, ठीक है, चाइनीज में जियो यानी वाइन, ठीक है। जो जियो का जो सिम कार्ड आता है ना, जो मोबाइल नेटवर्क है, जियो यानी वाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जियो यानी वाइन, ठीक है। देखिए ये बहुत ही आसान है। देखिए तो विस्की को हम लोग बोलेंगे वेश जी, और सिमिलर है आपको याद रह जाएगा, जियो यानी वाइन आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अब आता है रेड वाइन यानी लाल वाइन, ठीक है। लाल वाइन जो दो टाइप की होती है ना, एक रेड वाइन और एक तो होती है व्हाइट वाइन, ठीक है ना। तो रेड वाइन को हम लोग बोलेंगे होंग जियो। देखिए पीछे तो हमको लगाना है जियो, यहां पर देखिए पीछे हमको क्या लगाना है, जियो। चेंज क्या करना है, आगे क्या चेंज करना है, होंग। होंग का मतलब क्या होता है, रेड। जिसने जो कलर्स के जो मैंने वीडियो बनाए थे, कलर की जो मैंने सीरीज बनाई थी उसके अंदर मैंने सारे कलर के नाम सिखाए थे, अगर आपने वो अपने अच्छे तरीके से वो वाला वीडियो को आपने फॉलो किया है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी हो जाएगी। रेड को हम लोग बोलते हैं होंग्स, ठीक है ना, होंग यानी रेड, ठीक है। होंग जियो यानी रेड वाइन, होंग जियो यानी रेड वाइन, होंग जियो यानी रेड वाइन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अब ये आ गया यहाँ पर व्हाइट वाइन। देखिए दोस्तों इस वर्ड्स के ऊपर जाऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया हुआ है उसको आप लोग विजिट कीजिए, क्योंकि जो प्लेलिस्ट है मैंने उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है,
हर चीज का जो मैंने पार्ट्स बाय पार्ट्स का अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, ताकि आपको जिस भी पार्ट की आपको चाइनीज सीखनी है, जिस भी चीज का आपको नाम सीखना है, वहां पर आप लोग सिर्फ डायरेक्टली आप लोग जाकर आप क्लिक कर दोगे तो वहां पर आपको उसका सारा कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं व्हाइट वाइन को, हम लोग हिंदी में बोलेंगे सुनहरी वाइन। देखिए व्हाइट वाइन एक्चुअली व्हाइट कलर की नहीं होती, उसका कलर होता है सुनहरे टाइप का, ठीक है ना। ये जो ये अगर आपका जो कन्फ्यूजन है, व्हाइट वाइन सफेद कलर की दिखेगी, वो सफेद नहीं होती, उसका एक्चुअली में कलर होता है सुनहरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइजियो। क्या बोलेंगे यहाँ पर उसको हम, पाइजियो यानी व्हाइट वाइन, ठीक है, पाइजियो यानी व्हाइट वाइन। चाइनीज में क्या बोलेंगे हम लोग व्हाइट वाइन को, पाइजियो यानी व्हाइट वाइन, पाइजियो यानी व्हाइट वाइन, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अल्कोहल की जो सीरीज है वो भी यहाँ पर, अल्कोहल के जितने भी नाम थे वो भी मैंने खत्म कर दिए, ठीक है। और जो ड्रिंक्स और बेवरेज की जो सीरीज थी आज यहाँ पर हो गई खत्म। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मेरे को नमस्ते ताइवान के इंस्टाग्राम पर जाके आप मेरे को पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कॉमेंट में आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन सी, आपकी जो फेवरेट अल्कोहल ड्रिंक्स है वो कौन सी है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का जो पार्ट वन और पार्ट टू भी देखना है तो वो भी यहाँ पर आई बटन पर आप लोग क्लिक कर देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये वाली जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है ताइवान में, चाइना में, यहाँ पर देखिए मकाओ में, हांगकांग में, मलेशिया में, सिंगापुर में, ठीक है, इन सारी कंट्री में ये वाली लैंग्वेज जो है चाइनीज मैंड्रिन वो बोली जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता हो तो। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अलविदा, बाय बाय और जय जियन।